तारीख 10 डिसेम्बर आजनो दिन महिमा डॉक्टर आल्फ्रेड नोबेल। आल्फ्रेड नोबेल का प्रायश्चित। डायनामाइट विस्फोटक के आविष्कारक आल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। उनका बचपन सेंट पीटर्सबर्ग लेनिनग्राद में बीता। वहां उनके पिता इमैनुअल नोबेल का नाइट्रोग्लिसरीन का उद्योग था, जिसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता था। उन दिनों यह रसायन यानी केमिकल ब्लास्टिंग ऑयल के नाम से जाना जाता था। 1859 ईस्वी में उनके फर्म के दिवालिया हो जाने के बाद वे स्वीडन वापस आ गए और फिर से नाइट्रोग्लिसरीन का उत्पादन शुरू कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से 1864 ईस्वी में एक दिन उनके कारखाने में भारी धमाका हुआ, जिसमें कारखाने के कई मजदूर और अल्फ्रेड के छोटे भाई एमिल की मृत्यु हो गई। इस विस्फोट से पूरी इमारत ढह गई और स्वीडन की सरकार ने इसकी पुनर्स्थापना की अनुमति ना दी। भला अल्फ्रेड कब चुप बैठने वाले थे? उन्होंने मालारेन सरोवर पर बांध निर्माण करके नाइट्रोग्लिसरीन का उत्पादन जारी रखा। अल्फ्रेड नोबेल नित्य नए शोध कार्य में डूबे रहते। उनका शोध कार्य नाइट्रोग्लिसरीन से सुरक्षित परिवहन पर केंद्रित था। एक दिन अचानक उन्होंने देखा कि एक विशेष कार्बनिक पैकिंग में नाइट्रोग्लिसरीन अवशोषित होकर शुष्क पदार्थ में बदल जाती है। इस प्रकार इस ब्लास्टिंग ऑयल का हैंडलिंग सरल एवं सुरक्षित हो गई और इस नई खोज से अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट का निर्माण करने में सफल हो गए। नोबेल प्राइज ना स्थापक डॉक्टर अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल मात्र 16 वर्षनी वये एक समर्थ रसायन शास्त्री बन्या हता। विविध शोधखोळ करता तेमनी पासे सारी एवी समृद्धि एकत्रित थई। अकस्माते तेमणे डायनामाइट नामना प्रबळ स्फोटक द्रव्यनो आविष्कार कर्यो। तदुपरांत प्रबळ स्फोटक गुण धरावतुं ब्लास्टिंग जिलेटिन पण तेणे शोध्युं અને તેની પેટન્ટ મેળવી। એકત્ર થયેલું ધન પોતાના કોઈ વારસદારોને મળે તેનાથી તેઓ વિરુદ્ધ હતા। એમણે પોતાના કોઈ નિર્ણય લીધો કે તેમનું 90 લાખ અમેરિકન ડોલરનું ધન વિજ્ઞાન, સાહિત્ય અને મનુષ્ય જાતિના કલ્યાણ માટે વાપરવું। તેમના આ વસિયતનામાંથી સમગ્ર વિશ્વને ભારે નવાઈ લાગી, કારણ કે જે વ્યક્તિએ સમાજનો વિનાશ કરી શકે એવા પદાર્થો શોધ્યા એમણે જ પોતાનો ધનભંડાર રચનાત્મક કાર્યો કરનારને સોંપી દીધો। તારીખ 10 ડિસેમ્બર 1897ના રોજ તેમના જ કારખાનામાં તેમનો દેહાંત થયો। એક પ્રસંગે નોબેલે જણાવ્યું હતું કે જો કોઈ એવું યંત્ર બનાવે જેથી યુદ્ધ રોકી શકાય તો તેમને અનહદ ખુશી થશે।